और अब पिटाई की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और ये खबर भी यूपी से ही है। महाराजगंज में जब विधायक चुनाव जीतने के सालों बाद अपने इलाके के एक गांव में पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। चुनाव से पहले नेताजी ने खूब विकास के वायदे किए थे, लेकिन जीतने के बाद वो गांव का रास्ता भी भूल गए और इसी बात से गुस्साए गांव वालों ने विधायक समर्थकों की जमकर पिटाई कर दी। सड़क पर लोगों का हुजूम लगा है। मौके पर मौजूद लोग गांव में आए नेता से किसी बात को लेकर कहासुनी कर रहे हैं। नेताजी की हिफाजत के लिए पुलिस वाले भी साथ आए हैं। कहासुनी होती रही और बात बढ़ती चली गई। नौबत यहां तक आ गई कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। नेता के साथ हुई पिटाई की ये तस्वीरें यूपी के महाराजगंज की है। आप सोच रहे होंगे कि लोगों ने नेताजी की पिटाई क्यों की, तो जान लीजिए कि आखिर इस पिटाई के पीछे की असल वजह क्या है। हुआ यूं कि महाराजगंज जिले की सदर विधानसभा से बीजेपी विधायक जय मंगल करौजिया ने चुनाव जीतने के सालों बाद अब आकर गांव की ओर रुख किया था। फिर क्या था, इतने दिनों बाद विधायक जी का चेहरा देखकर गांव वालों का गुस्सा भड़क गया और भड़के भी क्यों ना, गांव वालों का विधायक जी पर गुस्सा करना जायज भी है, क्योंकि चुनाव के वक्त तो नेताजी ने गांव में विकास की बयार बहा देने जैसे लंबे चौड़े वादे कर लोगों का भरोसा जीत लिया। जनता का वोट पाकर विधायक की गद्दी पर विराजमान हो गए, लेकिन कुर्सी का सुख मिलते ही गाँव का रास्ता भूल गए। सालों बाद विधायक जी गांव आए थे तो स्वागत तो बनता ही था। लोगों ने दिल खोलकर अभिनंदन किया, ऐसा वेलकम के पुलिस वाले भी देखते रह गए। लोगों ने विधायक के समर्थकों की जमकर धुनाई की। गांव में नेताजी को घेर कर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। खिसियाए विधायक ने गांव वालों पर आग बबूला होकर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली। विधायक और उनके समर्थकों की हेकड़ी सुनकर भड़के ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। खुद को भीड़ से घिरता देख विधायक ने गांव वालों के आगे हाथ जोड़ लिए और मौके से निकल लेने में ही भलाई समझी। बारा श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। तो विकास न हुआ तो पिटाई कर दी गई।